हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रिवॉल्व के बारे में। रिवॉल्व सेम है जिस तरह से हम लोगों ने पार्ट डिजाइन में देखा था, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो कोई एक प्लेन यहाँ से ले लेते हैं, स्केच, और यहाँ से स्केच करते हैं यहाँ पर एक स्प्लाइन लाइन। ओके ओके करते हैं। इसके लिए एक्सिस की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास एक्सिस नहीं है, तो एक्सिस हम यहाँ से ले सकते हैं डेटम के थ्रू। एक्सिस मुझे कहाँ पर चाहिए, किस प्लेन पर चाहिए, उसे हम सिलेक्ट करेंगे। इस प्लेन पर चाहिए या इस प्लेन पर चाहिए, तो इसका हमेशा याद रखेंगे, इसका नॉर्मल चाहिए मुझे, इसका नॉर्मल लेंगे हम। जैसे यहाँ पर एक नॉर्मल, इसके नॉर्मल मुझे मिल गया है। ओके, और इसका ये कहाँ पर रखना चाहते हैं, तो किस एक्सिस पर रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सिस है जेड एक्सिस पर रखना चाहेंगे, क्योंकि ये इस तरह से रिवॉल्व करना है, तो जेड एक्सिस पर मैंने यहाँ पर रख दिया एक्सिस। यहाँ से ओके करेंगे तो मेरे पास एक्सिस है, एक प्रोफाइल है। अब हम जाएंगे यहाँ पर शेप्स में जाकर के रिवॉल्व, किसे रिवॉल्व करना है, इसे रिवॉल्व करना है, इसे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक्सिस सिलेक्ट करेंगे, इस एक्सिस है, एक्सिस को सिलेक्ट करते ही देखिए यहाँ पर इस तरह से रिवॉल्व हो गया है। तो इस तरह से रिवॉल्व का यूज करेंगे। ओके, यहाँ पर आपको यहाँ पर एक होल दिख रहा है, तो ये होल है, इस प्रोफाइल है और इस एक्सिस के बीच का डिस्टेंस है, इसलिए वो होल आपको यहाँ से क्रिएट हो गया। अगर एक्सिस इस प्रोफाइल के सीधा एक लाइन के साथ टच होते हुए जाता तो यहाँ पर होल क्रिएट नहीं होता। तो यहाँ पर सरफेस यहाँ पर रिवॉल्व हुआ है, यहाँ से सॉलिड भी ले सकते हैं, सॉलिड में आपको ऑप्शन मिल जाता है थिकनेस लेने का। यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पर थिकनेस यहाँ से क्रिएट किया है। तो इस तरह से रिवॉल्व का हम यूज कर सकते हैं शीट मेटल क्रिएट करने के लिए। ओके, सेम अगर आप नीचे जाते तो यहाँ ट्विस्ट का ऑप्शन मिलता है, चलिए ट्विस्ट को हम कैसे यूज कर सकते हैं ट्विस्ट के बारे में जानते हैं। कंट्रोल जेड, सबसे पहले पैक जाते हैं, एक प्लेन लेते हैं स्केच। ओके, स्केच करते हैं और यहाँ से छोटा सा रेक्टेंगल स्केच करते हैं। ओके, इसे हम प्लेनर के थ्रू इसे हम सीट क्रिएट करते हैं। इसके बाद एक और हम यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं, तो पॉइंट की जरूरत क्या है आपको हम बताएंगे। यहाँ पर पॉइंट लेना चाहते हैं, उसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर मुझे पॉइंट चाहिए, मैंने इसे क्लिक किया, यहाँ पर पॉइंट मिल गया। तो इसका डिस्टेंस आप रख सकते हैं जहाँ पर रखना चाहते हैं, क्योंकि तो यहाँ से ओके करेंगे, मेरे पास एक पॉइंट है ये और एक सीट है। और अब हम जाएंगे यहाँ पर ट्विस्ट में, तो ट्विस्ट में जाते हैं, यहाँ पर इस तरह से डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, यहाँ पर दो डायलॉग बॉक्स यहाँ से इस तरह से ओपन होगा। ओके, तो यहाँ पर एलिमेंट और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। फर्स्ट हमको डिफाइन करना है अटैच एज, किस एज पर आप रिवॉल्व करना चाहते हैं। तो मुझे इस एज पर रिवॉल्व करना है, तो इस एज को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर ट्विस्ट एक्सिस, यहाँ पर एक्सिस पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर कोई भी पॉइंट भी दे सकते हैं, तो इस पॉइंट को हम सिलेक्ट करेंगे। देखिए इस पॉइंट को सिलेक्ट करते ही ट्विस्ट एक्सिस और अटैच एज, ये दोनों यहाँ पर कम्प्लीट हो गया है। इसके बाद यहाँ से आप पूछा जाएगा स्टार्ट विथ, स्टार्ट विथ का डायलॉग बॉक्स यहाँ पर खुला हुआ है कि आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं। आपका विथ जो होगा, स्टार्टिंग विथ वो कितना होगा, तो स्टार्टिंग विथ यहाँ पर आप ले सकते हैं। तो याद रखें कि यहाँ पर स्टार्टिंग आप उसी टाइम लेंगे यहाँ से, और एंड का यहाँ पर जो मेरे पास यहाँ पर पॉइंट है, इस पॉइंट से स्टार्ट होगा, और यहाँ से कहाँ तक का विथ चाहिए वो ले सकते हैं। तो स्टार्टिंग विथ हम इतना रखेंगे कि सीट मेटल की यह बाहर ना जाए, तो स्टार्टिंग विथ हम यहाँ पर 30 रखते हैं, 30। यहाँ से ओके करेंगे या इंटर भी कर सकते हैं, तो यहाँ से एक्सेप्ट वैल्यू। इसके बाद इंटर एंड विथ, तो यहाँ पर स्टार्टिंग विथ है, उसके बाद जो लास्ट ट्विस्ट का विथ होगा उसका एंड विथ कितना रखना चाहते हैं, यहाँ पर हम 10 रख देते हैं। याद रखें मैंने 30 लिया स्टार्टिंग विथ और एंड विथ 10 लिया। इसके बाद ट्विस्ट एंगल, यहाँ पर इसका ट्विस्ट एंगल देना है, कितना एंगल के साथ इसे, सॉरी ट्विस्ट लेंथ, तो इसका लेंथ कितना होगा, टोटल ट्विस्ट यानी स्टार्टिंग और एंड का टोटल लेंथ होगा कितना रखेंगे,
60 रख देते हैं। ओके, ट्विस्ट एंगल पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ पे कितना इसे ट्विस्ट करना चाहते हैं, तो 360 ट्विस्ट करना चाहते हैं। ओके, फिर इंटर ट्विस्ट डेवलपमेंट लेंथ यहाँ पे 60 रहने देते हैं इसे, और सिंपली ओके करते हैं। यहाँ से हम ओके करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह ट्विस्ट क्रिएट हो चुका है। मैंने जो इसका वैल्यू रखा है, तो इसे डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर इसका सब वैल्यू देख सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग वीक रखा था 30, और यहाँ पर एंड रखा था, एंड वीक रखा था 10, ये 10 है। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 60 रखा था, वो 60 दिखा रहा है। ट्विस्टिंग एंगल यहाँ पर आप देख सकते हैं 360 रखा था, इसलिए ये 360 यहाँ पर दिखा रहा है। तो इस तरह से ट्विस्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। ओके, देख सकते हैं यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, और इसका और वैल्यू आप देना चाहते हैं, जो वैल्यू देना चाहते हैं यहाँ पर देख सकते हैं, दे सकते हैं। ओके, इस तरह से इसका वैल्यू दे सकते हैं, इसका और ट्विस्ट का यहाँ पर एंगल बदल सकते हैं इस तरह से। ओके, जनरली ये ट्विस्ट करने के लिए यूज़ होता है। इसका आप थिकनेस भी दे सकते हैं, इसका जो थिकनेस है उसे भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो फाइनली हमने देखा कि ट्विस्ट किस तरह से किया जाता है किसी भी जगह पर। आप यहाँ पर जितना लेंथ देंगे उतना लेंथ के साथ ये ट्विस्ट हो जाएगा।